हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 12, पेड़ मत काट रहे इंसान। ठीक है, जो इंसान है उसको पेड़ नहीं काटने चाहिए। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो इसका उद्देश्य देखेंगे। सबसे पहले, पेड़ पौधे धरती का सौंदर्य हैं। सौंदर्य मतलब सुंदरता फैलाते हैं सारी तरफ, तथा साथ ही इस पर पनपने वाले जीवन के पालक भी हैं। पालक का अर्थ है बच्चे, पेड़ पौधे हमें पालते हैं। जितने भी जीव जंतु मनुष्य हैं धरती पर, पेड़ पौधे क्या करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। पेड़ पौधों के विनाश का कारण मनुष्य ही है, और पेड़ पौधों को नुकसान कौन पहुंचाता, सबसे ज़्यादा मनुष्य ही पहुंचाते हैं। इन्हें काटकर मनुष्य स्वयं अपना अहित करता है। अपना अहित मतलब अपना ही नुकसान करता है, क्योंकि इनके बिना लाइफ जो है बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। चैप्टर शुरू करते हैं। बद्रीनाथ लकड़हारा जंगल में कुल्हाड़ी लिए घूम रहा था। वह किसी ऐसे पेड़ को खोज रहा था जिसे काट कर उसे अच्छी सी लकड़ियाँ मिल सके और वह उन्हें बाजार में बेचकर ढेर सारे रुपए पा सके। घूमते घूमते वह जंगल में एक ऐसे स्थान पर आया जहाँ आम का एक युवा पेड़ खड़ा था। युवा मतलब अभी अभी नया ताज़ा पेड़ जो है बड़ा हुआ था। बद्रीनाथ उस पेड़ को देखकर बहुत खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। परंतु जैसे ही उसने उस पेड़ के तने पर प्रहार करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, मतलब उसको मारने के लिए काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, तभी क्या हुआ, तभी उसके कानों में एक बूढ़े आम के पेड़ की आवाज़ पड़ी। बूढ़ा आम क्या कहता है, अरे बद्री बेटा, ये क्या कर रहे हो? बद्रीनाथ, कर क्या रहा हूँ, इस आम के पेड़ को काट रहा हूँ। बूढ़ा आम, पर क्यों काट रहे हो? बद्रीनाथ आश्चर्य से हैरान होकर कहता है, पर तुम बोल कौन रहे हो? बूढ़ा आम, बेटा पीछे मुड़कर देखो, मैं बूढ़ा आम का पेड़ बोल रहा हूँ। इसमें देखो बेटा, सीख इस लेसन से क्या मिलती है, पेड़ पौधे जीवन का आधार है। आधार मतलब इनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसमें देखिए, पेड़ अपना भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसके बाद बच्चे आगे, बद्रीनाथ क्या कहते हैं, पीछे मुड़कर कहता है, अरे आम है, कहिए क्या कहना है? बूढ़ा आम, कहना क्या है, तुम उस आम के पेड़ को मत काटो। बद्रीनाथ, पर क्यों ना काटूं, तुम मुझे रोकने वाले कौन हो? बूढ़ा आम, मैं उसका पिता हूँ, एक पिता के सामने तुम उसके बेटे को कैसे काट सकते हो? बद्रीनाथ हंसकर बोलता है, पिता, क्या पेड़ों के भी पिता होते हैं? बूढ़ा आम, हाँ होते हैं। कुछ साल पहले एक भला आदमी यहाँ आया था, उसने मेरी शीतल छाया में आराम किया था। तब उसे भूख लगी थी और मैंने उसे खाने के लिए एक पका फल दिया था। मेरे उस फल को खाकर उसने मेरा बड़ा धन्यवाद किया और उस फल के बीज को वहाँ ज़मीन में दबा दिया ताकि उससे एक नया पेड़ उग सके। वह पेड़ मेरे उसी बीज से उगा हुआ है, अतः यह मेरा बेटा हुआ ना। बद्रीनाथ क्या बोलता है इसके बाद, ठीक है, पर उस पेड़ को बोया तो इंसान नहीं था ना, और अब एक इंसान ही उसे काट रहा है, यह तो इंसान का हक है। फिर भला तुम विरोध किसके लिए कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? विरोध का अर्थ है बेटा, इसको क्यों काटने से मना कर रहे हो? बूढ़ा, बेटा बद्री, तुमने इंसान के अधिकार की बात की, सही है, पर क्या हम पेड़ों को कोई अधिकार नहीं है? क्या यह धरती सिर्फ तुम्हारी है? बेटा इस धरती पर तुमसे पहले हम आए थे, इस धरती पर हमारा भी अधिकार है। बद्रीनाथ, होगा, जरूर होगा, पर उससे मुझे क्या, मैं तो एक लक्कड़ आ रहा हूँ, पेड़ों को काटना और उनकी लकड़ियाँ बेचना मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है, फिर भला मैं पेड़ क्यों ना काटूँ? फिर बूढ़ा आम इस पर क्या कहता है, बेटा तुम इंसानों ने अपने लाभ के लिए इतनी तेज़ी से पेड़ काट डाले कि आज जंगल वीरान नज़र आने लगे हैं। वीरान का अर्थ सुनसान। अगर तुम अब भी नहीं माने तो हालत बहुत बुरी होगी, हम तो मरेंगे पर तुम और तुम्हारे बच्चे भी नहीं बच पाएंगे। तो बेटा जो पेड़ है, पेड़ से ही हम हैं और हमसे ही पेड़ हैं, अगर पेड़ों को हम काट देंगे तो क्या होगा, धरती पर जीवन इंसानों का ख़त्म हो जाएगा। बद्रीनाथ क्या कहता है इस पर, मजाक सी भावना, हंसते हुए कहता है, मजाक करते हुए, हा, भला तुम्हारे ना रहने से हम और हमारे बच्चे जीवित नहीं बच पाएंगे, मतलब जिंदा नहीं बच पाएंगे, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, क्यों मूर्ख बना रहे हो? बूढ़े आम के पेड़, मेरे आमू दादा। बूढ़ा आम, बेटा बद्री, मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। बद्रीनाथ,
तुम सत्य कह रहे हो पर कैसे? बूढ़ा आम, वो ऐसे कि सबसे पहले मुझे यह बताओ कि क्या तुम सांस लेते हो और क्या सांस लिए बिना जीवित रह सकते हो? इसके बाद बद्रीनाथ क्या कहता है? बद्रीनाथ कहता है, हाँ मैं सांस लेता हूँ और सांस लिए बिना मैं तो क्या कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। बूढ़ा आम, फिर अगर पेड़ नहीं रहे तो तुम सांस कैसे ले पाओगे? क्योंकि हवा में ऑक्सीजन छोड़कर हम ही स्वच्छ और सांस लेने के लिए योग्य बनाते हैं। मतलब पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देते हैं और वही वायु को शुद्ध करते हैं और सांस लेने के लिए हमें साफ हवा देते हैं। अगर हम पेड़ों को काट दिया जाएगा तो फिर तुम्हारी हवा में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तुम ऑक्सीजन कहाँ से ले पाओगे? बद्रीनाथ कहता, ऐ क्या ऐसा है? यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। यह तो बड़े पते की बात बताई आपने। बूढ़ा आम, इतना ही नहीं बेटा, हम पेड़ पौधे तुम्हें और भी बहुत से लाभ पहुँचाते हैं, बहुत सारे फ़ायदे पहुँचाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों से तुम्हें फल, सब्जियाँ, अनाज, दालें, दवाइयाँ, फूल, मसाले आदि बहुत सी उपयोगी वस्तुएँ मिलती हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों हमें पेड़ से ही प्राप्त होती हैं। हम वर्षा लाने में सहायक हैं, मतलब वर्षा लाने में भी तुम्हारी मदद करते हैं। हमारी वजह से धरती पर शीतलता और हरियाली है। शीतलता मतलब ठंडक है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हम तरह तरह के पशु पक्षियों को वास स्थान का अर्थ है बच्चे रहने की जगह, और भोजन प्रदान करते हैं, खाना प्रदान करते हैं। वे भी तुम इंसानों को बहुत सी उपयोगी वस्तुएं देते हैं। अगर हम ना रहे तो धरती वीरान रेगिस्तान बन जाएगी। सारी तरफ क्या हो जाएगा? बंजर ही बंजर धरती हो जाएगी अगर पेड़ पौधे नहीं हो, और सारी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो सारे मर जाएंगे। सोचो कि ऐसी स्थिति में तुम जीवित रह सकोगे? बद्रीनाथ, कुल्हाड़ी जमीन पर फेंक कर, बूढ़े आमू दादा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अज्ञानी मतलब जिसको ज्ञान नहीं होता, इन सब बातों से अपरिचित था। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है धरती पर। इसी कारण जीवन भर हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाता रहा, पर अब कभी कुल्हाड़ी को स्पर्श तक नहीं करूँगा, छूँगा भी नहीं। बूढ़ा आम, परंतु बेटा बद्रीनाथ, परंतु क्या? बूढ़े आमू दादा, बूढ़ा पर बेटा, तुम्हारे एक इंसान के पेड़ ना काटने से क्या सारे पेड़ बच जाएंगे? पेड़ ना काटने का संकल्प मतलब शपथ लेना, अपने आप से प्रॉमिस करना, तो हर इंसान को करना चाहिए, तभी कुछ भला होगा, यानी हम पेड़ बच पाएंगे। इसके बाद देखिए बेटा बद्रीनाथ क्या कहता है। बूढ़े आमू दादा, आपने मुझे सचेत कर दिया, मतलब मुझे अवेयर कर दिया इस बात के लिए। मैं अपने गांव को सचेत करूंगा और मैं सबको ही जागरूक करूंगा, तथा फिर एक गांव दूसरे गांव को। इस तरह सब इंसान पेड़ों के महत्व से परिचित हो जाएंगे और मेरी तरह सब पेड़ों को ना काटने का संकल्प कर लेंगे, मतलब अपने आप से प्रॉमिस कर लेंगे सारे, फिर तो कुछ भला होगा ना। बूढ़ा बद्री बेटा, सदा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, तुम और तुम्हारे सभी भाई बंधु। हम पेड़ों का तुम सबके लिए यह आशीर्वाद है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं इस चीज़ के लिए। बूढ़े आम से सीख लेकर बद्रीनाथ लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़कर अपने गांव का रुख किया, अपने गांव की तरफ चल दिया। गांव की ओर जाते समय वह ये गीत गा रहा था। देखो वो गीत क्या है बच्चे, पेड़ मत काट रे इंसान, पेड़ तेरा जीवन तेरे प्राण। मतलब पेड़ को मत काटो लोगों, क्योंकि पेड़ क्या है, जीवन है हमारे और हमारे लिए प्राण है, हमें उनसे ही प्राणवायु मिलती है। इन्हीं से धरा का रंग रूप खिलता, धरा मतलब धरती का जो भी हरियाली है और रूप है, इसी से ही खिलता है, पेड़ों से। इन्हीं से जीवन रूपी दीप है जलता, जो जिंदगी मिलती है वो किससे मिलती है? पेड़ों से मिलती है। दीप मतलब हर एक भी जीव है, जंतु है, उनका जो लाइफ है, उनकी जो जीवन है, वो इन्हीं से ही चलता है। यही कुदरत की कृति महान, मतलब यही कुदरत की जो बनाई गई महान रचना है, ये भगवान ने हमें दी है, कुदरत ने दी है, प्रकृति ने। पेड़ मत काट रहे इंसान, बस हम यही कहेंगे कि पेड़ों को मत काटो। तो बच्चों इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ कभी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि इनके बिना हम नहीं रह पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।